हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों देख लीजिए, नेवी WSSR का क्या है कि आपका एग्जाम डेट यहाँ पे आउट हो गई है, मतलब कि आपका एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड में आपको बताऊंगा फाइनल कटाफ, मतलब की कट ऑफ है जो बहुत ही हाई गई, यूपी में 91 लगभग गई है, और आपकी ये कि केवल 88 गई आपकी बिहार में, और फिर उसके बाद में क्या है कि आपके 97 राजस्थान में ऐसे कुछ गई है। तो दोस्तों ये कि कट ऑफ तो काफ़ी गई है, 90+ तो सब जगह गई है, लेकिन एक राज्य बिहार को छोड़कर। देखो सबसे पहली बात मैं बता दूं, जिनका एडमिट कार्ड आया वो ध्यान समझिएगा, एग्जाम डेट क्या है कि 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम है, ठीक है। आप लोग फालतू भ्रम में पड़े हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगना, क्या क्या दिक्कत है आप लोग कुछ नहीं होगी, ठीक है। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा। चलो भाई, काफ़ी छात्र भ्रमित हो रहे हैं, क्या लिखा है मेडिकल टेस्ट में टेक 2-3 दिन, तो इसका ये है कि देखो 2-3 दिन आपको रुकना नहीं, वो वीडियो के बीच में बताएंगे, तो ध्यान समझिएगा। देखो टेंशन वाली कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग बात ध्यान समझ लीजिएगा, अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उसका उपाय भी है, तो ध्यान से समझिएगा। चलो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखना अपना, देखो सबसे पहली बात तो एग्जाम डेट आपको 6/10 है, बिल्कुल क्लियर है। PFT कब होगी, बहुत लोगों को डाउट था PFT और मेडिकल। देखो मान लीजिए जैसे कि आपका 7 तारीख को पेपर है, परीक्षा देने के बाद में जस्ट तुरंत आपका PFT करा लिया जाएगा, सबका PFT होगा। ये मत सोचिए कि अगर आप पेपर देंगे तब आपको बताएं कि हाँ आप पास है तो ही आपका PFT होगा, फेल है नहीं होगा, तो ये सब कुछ नहीं है। तो परीक्षा देने के बाद में जब पेपर वैसे ऑनलाइन होगा आपका जहाँ तक, तो तुरंत आपका PFT करा लिया जाएगा, लेकिन मेडिकल आपको रोक कर रखा जाएगा। मेडिकल आपका जनवरी में होगा, और मेडिकल जनवरी में होगा वो भी चिल्का में होगा, ठीक है। मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा तो ही आपको जाना है, वो खुद बताएंगे किस तारीख को है, लेकिन जनवरी को फिक्स है और चिल्का में होगा, ये फिक्स है, ठीक है। चलो तीसरी बात, यहाँ बात करते हैं कोविड रिपोर्ट के बारे में, ये डॉक्यूमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, देखो कोविड रिपोर्ट में क्या है कि आप लोगों के पास अगर पहली डोज है तो ज़रूर ले जाइएगा, दूसरी डोज है तो पहली दूसरी दोनों डोज है तो ज़रूर ले जाइएगा, अगर नहीं है तो कोई ज़्यादा वैसे कंपलसरी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसका भी 7-8 तारीख का एग्जाम है वो ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, जिनको भी 6 का एग्जाम है, ठीक है, तो 7-8 वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उनको पता चल जाएगा 6 तारीख को क्या कैसा पेपर आ रहा है, क्या रूल है, ठीक है। वैसे आपका कंपलसरी फिक्स नहीं कि रिपोर्ट आप ले जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, सबसे पहली बात क्या है कि आप फ़ोटो ज़रूर ले जाइएगा अपनी, ठीक है। और दूसरी बात हाई स्कूल और इंटर की, वैसे हाई स्कूल इंपॉर्टेंट है केवल हाई स्कूल, लेकिन हाई स्कूल इंटर दोनों में ले जाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लेके जाइएगा, कोई दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि देखो हाई स्कूल इंटर की जो आपकी मार्कशीट है वो ले जाइएगा, ठीक है, ओरिजिनल ले जाइएगा, वो फोटो कापी भी नहीं देखेंगे, वो ओरिजिनल सीधे देखेंगे, साफ बात है, ठीक है। तीसरी क्या, आधार कार्ड ले जाना, ठीक है, आधार कार्ड अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड में, आधार कार्ड वैसे ठीक है, ठीक है, आधार कार्ड ले जाना। चलो भाई एक डोमिसाइल होगा आपका निवास के लिए, ठीक है, निवास, ठीक है। और ये भी है कि आपका वो भी कि ये कि कहा गया 6 रिसेंट फ़ोटो कहा गया लाने के लिए, तो आप लोग काफ़ी फ़ोटो लेके जाइएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो डोमिसाइल भी आपका लगेगा, भाई डोमिसाइल निवास होता है आपको ले जाना है, ठीक है। चलो भाई, जैसे कि आप एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करवाएंगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, जो कोविड वाला भरना होता है, वो आपने पिछले बार भरा भी होगा या फिर आपको पता भी होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सिंपल भरना, वो लोग जमा नहीं करते वैसे, ऐसे फेंक देंगे उनको, बस ये कि आप लोगों को देना पड़ेगा उनको, ठीक है, तब वो फेंक देते हैं, उनको कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना ही होगा, तभी आप अंदर जा पाएंगे, ठीक है। और जिसके पास कोविड रिपोर्ट हो वो कोविड रिपोर्ट ले जाना। और बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुनिएगा, 300 जिसको प्रैक्टिस सेट चाहिए फ्री में, 300 प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको, ठीक है, इंग्लिश के, जिसको भी 300 इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट चाहिए, बात करते केवल इंग्लिश की, और फिजिक्स के शायद 200 प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो बताइए फिजिक्स के फ्री में आपको बताइए, बस ये बात आपको छोटा सा काम है, शेयर करो सबसे पहली बात, तो कमेंट में आप लोग बता देना कि आप ये इसके प्रैक्टिस सेट चाहिए, उसके चाहिए, तो मैं कमेंट में खुद आपको लिंक भेज दूंगा, मेरे चैनल एग्जाम गुरु की बात है, ठीक है। एग्जाम गुरु मैंने क्या है कि टोटल 1200 वीडियो बना लिए, ध्यान से थोड़ा समझ लेना, क्योंकि पेपर आपका जस्ट 6 तारीख से है, तो ध्यान समझिएगा। मैंने नेवी के लिए जाने कितने इंग्लिश भी कराई आपको, ठीक है, 300 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट कराएं केवल नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए कम से कम 200 कराएं, तो टोटल 500 कराएं, क्योंकि आपको पता है एयरफोर्स नेवी दोनों इंग्लिश सेम ही होती है, मैथ भी कराइए फिजिक्स भी कराइए, ठीक है। और GK तो मैंने आपको 500 प्रैक्टिस सेट कराए नेवी के लिए, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, मैंने जो जो पढ़ाया अगर पूरा पढ़ के जाओगे तो पूरे में पूरे, या फिर 2-4 नंबर कम हो सकते हैं, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, तो बताना, लिंक दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना।